हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माइसोपीडिया। आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज मैं आपके लिए एक एडल्ट कॉमेडी मूवी लेके आई हूँ, जिसे एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, पर फिर भी मैं ट्राई करूंगी। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक जैनी नाम की लड़की को देखते हैं, जो बेड पे लेटे हुए टीवी पे रोमांटिक मूवी देख रही होती है। फिर वो एक वाइब्रेटर निकालती है और उसका इस्तेमाल करने लगती है। तभी वहाँ उसकी फैमिली के लोग आ जाते हैं, जो उसे आके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, और वो उस वाइब्रेटर को छिपाने की कोशिश करती है, पर उसका डॉग चादर खींच लेता है और वाइब्रेटर उछल के केक के ऊपर गिर जाता है और सब उसे न्यू देख लेते हैं। अगले दिन जेनी के डैड उसे और उसके छोटे भाई को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तब उसका भाई कहता है तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए, पर जेनी मना कर देती है। तब उसका भाई कहता है तुम्हें डैड के रूल्स पता है ना, तुम बड़ी हो, पहले तुम सेक्स करोगे फिर मैं कर पाऊंगा कभी कभी, तो मुझे लगता है तुम लेस्बियन हो। फिर वो स्कूल पहुंचते हैं। फिर स्कूल एक हैंडसम बॉय की एंट्री होती है, जिसका नाम जेक है, जो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का होता है। जब वो स्कूल में जाता है तो हम देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां उसी को देख रही होती हैं और वो जेक के ऊपर अपने कपड़े उतार के फेंकती है। जेनी जब अपने लॉकर के पास खड़ी होती है तो वहाँ एक विकी नाम का लड़का आता है, जो उसे बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे प्रपोज करता है, पर जेनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। आगे हम जेक को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। तभी उसके पास कैथरीन नाम की लड़की आती है, जो जेक के साथ फ्लर्ट करने लगती है। दरअसल कैथरीन जेक की बड़ी बहन है, जिसने 4 साल पहले ही स्कूल कंप्लीट कर दी थी, पर वो जेक के लिए स्कूल आती है। तभी वहाँ से प्रिसीला नाम की एक लड़की निकलती है, जो कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की होती है, जो चीयर लीडर भी होती है, और वो जेक की गर्लफ्रेंड है। फिर प्रिसीला जेक को बाहर बुलाती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है और अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। तो जेक कहता है कि क्या तुमने इस लड़के के लिए मुझे छोड़ा है। आगे जेक अपने दोस्तों के साथ होता है। तब उसे पता चलता है कि स्कूल में कुछ दिनों बाद पार्टी है, तो वो पार्टी में जाने के लिए नई गर्लफ्रेंड लाने का सोचता है। फिर वो और उसके दोस्त वहाँ लड़कियों को देखते हैं कि कौन सी लड़की जेक के लिए सही रहेगी। तभी वहाँ सामने से जेनी आ रही होती है, जिसे देख उसके फ्रेंड्स जेनी की बात करते हैं, पर जेक मना कर देता है। फिर हमें कुछ लड़कों का ग्रुप दिखाते हैं, जो लड़कियों को नहाते हुए चुपके से देख रहे होते हैं। फिर वो वेंटिलेशन के जरिए टॉयलेट के ऊपर जाते हैं, तभी वेंटिलेशन टूट जाता है और वो नीचे क्लास में गिर जाते हैं। आगे हम देखते हैं जेक जेनी के पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, पर जेनी उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि जेक ने आज तक उसे कभी बात नहीं की होती। एक दिन जब जेक फुटबॉल खेलते हुए लड़कों को देखता है तो उसे याद आता है कि कैसे फुटबॉल खेलते खेलते उसके दोस्त की मौत हो गई, और इस वजह से जेक अब ज्यादातर फुटबॉल नहीं खेलता। जेक जब अपने घर पे होता है तो उसके डैड उसके पास आते हैं और जेक को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। फिर उसकी मॉम को वहाँ बुलाते हैं और वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। जेक जेनी को पटाने के लिए अपने सिस्टर के पास हेल्प के लिए जाता है, जहाँ उसकी सिस्टर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे छूने लगती है, जिसे जेक वहाँ से भाग जाता है। आगे हम जेनी को पेंटिंग करते देखते हैं, जहाँ जेक आता है और माइक लेके चिल्ला के कहता है कि जेनी के पास गन है, जिसे पुलिस जेनी को पकड़ के ले जाती है। जेनी छूट जाती है और जेक के घर जाके उसे कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, पर जेक उसे इग्नोर करता है, और जब वो आता है तो उसके शरीर पे केक लगा हुआ होता है, जिसे देख जेनी वहाँ से भाग जाती है। आगे हम उसके स्कूल का एक लड़का देखते हैं, जिसके मॉम डैड घर से बाहर जा रहे होते हैं, तो वो उसे कहते हैं कि हमारे जाने पे पार्टी मत करना, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और पार्टी रख देता है। और पार्टी में जाने के लिए जेक अपनी सिस्टर को लेकर जेनी के घर जाता है और जेनी से माफी मांगता है। फिर उसकी सिस्टर जेनी को तैयार करती है। फिर जब जेनी तैयार होकर बाहर आती है तो सब उसे देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि वो काफी खूबसूरत लग रही होती है। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं, जहाँ जेनी काफी पी लेती है और मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ जेक की पुरानी गर्लफ्रेंड आती है और वो जेनी का मजाक उड़ाती है, जिससे जेनी उदास होकर चली जाती है। फिर जेक जेनी के घर जाता है और उसे मनाता है। आगे जेक का फुटबॉल मैच होता है, पर जेक को अपने दोस्त की याद आ रही होती है, जिससे वो अच्छा नहीं खेल पाता। तभी वहाँ एक आदमी आता है, जो जेक को हौसला देता है और जेक खेलने चला जाता है, पर उनकी टीम की हार हो जाती है। फिर उसके पास जेनी आती है, जो जेक को उदास देख उसे हौसला दे के कहती है हार और जीत तो चलती रहेगी। आगे उसके स्कूल का फंक्शन होता है, जहाँ जेक जीत जाता है। तब जेनी को लगता है अब जेक को मेरी कोई जरूरत नहीं, जिससे वो वहाँ से चली जाती है। फिर जेक उसे ढूंढने चला जाता है। वो जेनी को ढूंढने उसके घर जाता है, जहाँ जेनी के डैड उसे बताते हैं कि जेनी एयरपोर्ट पे गई है। तो जेक एयरपोर्ट पे जाता है, जहाँ वो जेनी को अपने दिल की बात करता है और वो दोनों किस करते हैं, और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है। ये एक कॉमेडी मूवी है, जिसे अगर आप देखेंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, हमें कॉमेंट में जरूर बताना। बाय।